नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियों का क्या कहना है, ये आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परविंदर कौर है। परविंदर कौर जी, डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? मैं बचपन तो ही आनी है डेरे च। प्रोफेशन की है जी थोड़ा? मेरा प्रोफेशन जी एनएम नर्सिंग है, मैं एम नर्स। मैम हूँ तुम किस सोच न डेरा सच्चा सौदा चाहे हो? बिकॉज सोच तो तुम्हें पता ही है कि जड़ी सोच है बंदे की सही होंगी है मोस्टली, क्योंकि जो धार्मिक किसी धर्म न जुड़िया हो उनकी सोच बहुत वधिया होंगी, क्योंकि उन्होंने धर्म से बहुत कुछ सीखा होंगे, सच और झूठ का उन्होंने डिफरेंस पता होंगे। डेरा सच्चा सौदा किस धर्म मनता है मैम? गुरु जी किस धर्म मनते हैं? डेरा सच्चा सौदा एक यहोजी संस्था है जिथे हर एक धर्म का सत्कार किया जाता है। सब तो ज़्यादा मैं जिथे मतलब हरेक धर्म च आप जाने पता हों, बट डेरा सच्चा सौदा च साढ़े गुरु जी ने जो वो सानू सारे धर्मों का सत्कार सिखाते हैं। मैम डेरा सच्चा सौदा बारे लेकिन गुरु जी के बारे च मीडिया च बहुत अलग दिखाया गया से पिछले 3-4 साल तो। ओके, बट तुसी ये हुण देख सकते हो कि हुण जो किसानों का दिखाया जा रहा है वो की सही है। अजकल सारे मोस्टली पता चल ही रहा है किसान, चलो आप देखते हैं कि किसान तो हरेक फैमिली तो ने, हरेक स्टेट तो ने, फिर उन्होंने हुण लोगों ने सच्चाई पता लग ही गई है, तो उस तो तुसी अपना हिसाब ला लो ना कि जिहड़े लोगों ने गुरु जी बारे दिखाया तो वह की दिखाया है। तुसी की कहना चाहोगे? तुसी भी एक लड़की हो तो की मनना है, किवें दा माहौल है गुरु जी डेरा सच्चा सौदा दा? मैं लड़की हाँ, मैं बचपन तो इत्थे आनी हूँ, मैंने हरेक चीज़ का मतलब पता है कि हाँ किवें दा सिस्टम है। इत्थे बॉयज़ का सिस्टम मतलब भैणां ते भरावां दा जिहड़ा भी है सिस्टम वो सैपरेट सिस्टम है, भैणां एक साइड हुंदियां ने ते भाई एक साइड, तो मतलब इदां दी कोई सिस्टम ही नहीं हैगा इत्थे। जिवें लोग बोलते हैं कि उत्थे ये हुंदा वो हुंदा, जो मीडिया ने दिखाया वो बिल्कुल रोंग है। गुरु जी का नेचर किवें दा? गुरु जी का नेचर उन्हां वर्गे तो किसी का नेचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्ने पलाइट स्वीट नेचर के ने, वो कि सानू जिंदगी जीन का मकसद उन्होंने सिखाया। मैम की कहना चाहोगे कि असलियत की है, उन्होंने किया की है लोगों के लिए? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी दुनिया के नाम करती है, आपदे बारे नहीं कदे भी सोचा, आपदे सौन खाण पीन तक का उन्होंने कदे नहीं सोचा। एक घंटा मान लें आप 24 घंटे उन्होंने अपने लिए कढ़िया, सारा टाइम उन्होंने लोगों लिए चंगे कामों लिए, इन्ने अवार्ड्स ने एवें तो नहीं जितते जाते अवार्ड्स। कि अज उन्होंने जरूरत है समाज में? बिल्कुल, उन्होंने तो बिना समाज का कोई मतलब ही नहीं है। अज इन प्रॉब्लम्स हो रही ने, क्योंकि जे तुम भगवान वालों गल करोगे तुम्हें पता ही है कि बैड इफेक्ट पै रहे, सब नहीं पता की हो रहा इस टाइम। मांग करोगे सरकार? सरकार ने मैं यही कहना चाहनी है कि तुम हूँ अपना जो भी तुम फेक व्यूज़ जो भी अपने प्रूफ तुम लाए आ उन्होंने तो देख सकते हो कि सच है तो की नहीं। थैंक यू सो मच मैम साढ़े।